आए तो सिर्फ नीलकंठ के लिए थे, पर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं हम। यहाँ जो है आस पड़ोस के लोग कह रहे थे कि यहाँ भालू का भी खतरा है। रहते कि यहाँ भालू का भी खतरा है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। और हम जो है दिल पे पत्थर रख के रिस्क लेके ऊपर आ गए, बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो गाइस हम काफी ऊपर आ चुके हैं और ये आश्रम के बाहर हम दोनों बैठे हैं थकार के। रुको जरा, सबर करो। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग, दिस इज माय न्यू ब्लॉग। तो मम्मी पापा और मैं आज निकल चुके हैं नीलकंठ महादेव टेंपल, जो हरिद्वार से लगभग 55 किलोमीटर दूर है और काफ़ी सुंदर जगह है पहाड़ों के बीच में। और अभी हम ऑटो से जो है ऋषिकेश जाएंगे और वहां से हमें नीलकंठ के लिए दूसरी गाड़ी मिलेगी। और गाइस, जिसने मेरा फर्स्ट ब्लॉग हरिद्वार का ब्लॉग में सपोर्ट दिखाया था उनको दिल से शुक्रिया। और जिसने मेरा फर्स्ट ब्लॉग अभी तक नहीं देखा है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने इस न्यू ब्लॉग में, न्यू सफर में। लोग एक से नाम एक वो। और आई नो ये ब्लॉग लेट आया है, आई थिंक अब तक 3-4 ब्लॉग और आ चुके होते, बट सडनली मुझे टाइफाइड हो गया था जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था। मिट्टी जैसे सपने ये किताबी पलकों से छाड़ो फिर आ जाते हैं। उसके लिए गाइस रियली सॉरी, अब से ट्राई करूँगा जल्दी ब्लॉग आए और जल्दी अपलोड करने की कोशिश कर। फिर साथ चले मुझे लेके उड़े ये। कितना टाइम लगेगा? 5 किलोमीटर और है, 10 मिनट लगेगा। अब हम ऋषिकेश से आगे आ चुके हैं और अब देखो पहाड़ भी दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। और घर से हम ब्रेकफास्ट किए बिना ही निकल गए थे, तो ऋषिकेश में जाके हमने स्ट्रीट फूड ट्राई किया और बस हम थोड़ी ही देर में नीलकंठ महादेव टेम्पल पहुँच जाएंगे। के बीच में एक बड़ा सा ब्रिज जिसका नाम है हनुमान झूला। और यहाँ ऐसे काफ़ी सारे ब्रिज है जिनका नाम राम झूला, लक्ष्मण झूला, सभी प्रकार के। और यहाँ वाटर राफ्टिंग भी होती है, आप देख सकते हो सामने। यहाँ पर मम्मी पापा मंदिर के लिए पूजा का सामान ले रहे हैं। तो यहाँ से देखो क्या ही पहाड़ों का व्यू दिख रहा है गाइस, लिटरली चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, लिटरली चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। इतनी खुशी, इतनी यहाँ से देखो पहाड़ों को और वो देखो सीढ़ी वाले खेत हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ऊपर से। और पहाड़ों में ज़्यादातर जो है ऐसी खेत बनाते हैं लोग। तो ये है नीलकंठ। हम लोग जो है नीलकंठ महादेव मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये है समुद्र मंथन की मूर्तियां जो राक्षस और देवताओं के बीच हुई थी। तो अमृत निकालने के लिए ये मंथन हुआ था।
और जब समुद्र मंथन हुआ था तब वहाँ से विष निकलना जो है स्टार्ट हो गया था, तो दुनिया को बचाने के लिए महादेव जी ने विष को जो है अपने कंठ में रख लिया था। इसलिए जो है इस मंदिर का नाम भी जो है नीलकंठ पड़ गया। यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले। नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं और अब हम पहाड़ों में घूम रहे हैं और हम नीचे उस रोड से आए थे गाड़ी में और चारों तरफ हमारे वादियां हैं। सांस फूल रही है आपके? नहीं बेटा नहीं बेटा। तो गाइस हम नीलकंठ आ गए हैं। तो ये है एक और छोटा सा शिव मंदिर। हम लोग जो है नीलकंठ घूम के आ चुके हैं और अभी जो है राउंड मार रहे इधर ही बना व्लॉग। हेलो मैं नीलकंठ घूम कर आ गए हम लोग। हेलो है कौन है वो आपका? ऐसे पकड़ो, ऐसे रुक जाओ एक मिनट इधर, ऐसे अब ऐसे अब बनाओ व्लॉग। बहुत सुकून है, हमें बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ, ठंड ठंडी हवा चल रही है। तो गाइज हम लोग जो है नीलकंठ मंदिर देखकर आ चुके हैं और यहाँ से देखो कितना सही व्यू आता है, वादियाँ और पहाड़। मम्मी और पापा वहाँ बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर घूम रहे हैं आराम से। और ये तिलक देखो, त्रिशूल बन गया है माथे में, मंदिर भी है देखो पीछे देख सकते हो, छोटा सा मंदिर है। तो भाइयों हम इस टाइम नीलकंठ वाली रोड पे है और यह आपको दिख रहा होगा हरे भरे पेड़ पौधे हैं। 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग की वजह। और एक मंदिर है पीछे, अभी हम इस पहाड़ के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे 2.5 किलोमीटर पे माता का मंदिर है, एक मंदिर है उसमें जाएंगे हम। इतना शांत वातावरण है यहाँ, शांत वातावरण। हाँ कैसा लग रहा है आपको पहाड़ों की ऊंचाइयों पे? मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है, यहाँ से घर जाने का मन भी नहीं कर रहा है मेरा। टेंशन नहीं लेने का, अपू ना मन नहीं कर रहा है तो यहीं रह जाओ। तो पापा यहीं रहने का विचार है? मैं नहीं बताऊंगा। तो गाइस अब हम जाने वाले हैं पार्वती मंदिर, तो चलते हैं। काफी ऊपर है, 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो देखते हैं क्या कह रहे। टेंट आज यहीं लगाते हैं? टेंट लगाते हैं यहाँ से कहीं अच्छी सी जगह है। अच्छा, जहाँ पे झाड़ झनकार नहीं ना हो खाओ और किसी भी चाहिए। हमें क्या बोल रहे पापा, टेंट लगाते हैं? मतलब लगाना है टेंट? कहाँ पर लगाएंगे टेंट, बाग आ गया तो? पेड़ पे सोएंगे हम भाई? सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मम्मी आप इतने धीरे क्यों चल रहे हो? मम्मी थक जाती है जल्दी। मम्मी पहाड़ की नहीं है, मैदान की। तो यहाँ पर पहाड़ के बच्चे जो है बकरी चराते हुए यहाँ पर फ्री फायर भी खेल रहे हैं बच्चे। इसी रोड से आए थे ना हम इधर से? ये दूसरी रोड है? और फिर उसके बाद स्कूल शाम के टाइम में बकरी चराते हैं वो, आने लाते हैं फिर गधेरे से, फिर लकड़ी को करते हैं वो। तो गाइस देखो हमें काफी ऊपर जाना है।
हम भी थक गए अब ये जान वाकई अभी पापा थक गए अब थक गए अरे पापा तो थकते ही नहीं कभी। हाँ पहाड़ी लोग कभी नहीं थकते। जय भोलेनाथ। ये जो पेड़ देख रहे हैं ये मालों का पेड़ है। पहले के लोग इसमें शादी बारात में इसमें खाना खाते थे। देखो मालू के जो है पत्ते हैं यहाँ पर। और पुराने जमाने में क्या होता था इनसे जो है प्लेट बनाते थे। प्लेटे बनती थी खाना खाने के लिए। हाँ और शादियों में जो है ये यूज हुआ करती थी। तो जो है पहाड़ों में तो ज्यादातर ये यूज होता था। तो देखो कितना नीचे से हम ऊपर आ गए। अंगूर नहीं है वो कहाँ है अंगूर लड़ी की तरह पीले पीले दिख रहा गोल गोल दाने। ये देखिए गोल गोल दाने। अच्छा आओ आओ जल्दी आओ हमसे आओ दोनों के दोनों। हाँ गर्ल्स ये कच्ची रोड है। हाँ गर्ल्स ये कच्ची रोड है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या बोलते हैं गर्ल्स कहाँ से आ गई? कुछ भी कच्ची रोड है 2 किलोमीटर। माता के मंदिर जा रहे हम और अभी कब से पैदल नहीं चली है। पैदल चलना पड़ रहा है इस पहाड़ की रोड में। देखो हम और वो आंसू भाग रहा है आगे। आंसू भाग रहा है बेटा मेरा। चलो अभी तो बहुत दूर जाना होगा हमें। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। हाँ यार ये देखिए झाड़ी दिखा रही है। ये देखिए बहुत अच्छी एक्टिंग की बादशाह होगा कसम से। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। दिखाती मजा आ गया कसरत हो गया अच्छी खासी। पीछे देखो कितने सारे खच्चर है। मैं लिखता हुंदा सी तेरे बारे अड़िए जाके कुछ ले गवाने तारे अड़िए जो कर दे मजाक यूं ना हंस लैण दे जो तो दी कस जी नानू कस लैण दे। गाइस आए तो सिर्फ नीलकंठ के लिए थे पर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं हम। पर मज़ा भी आ रहा है गाइस। तो देखो गाइस कितने नीचे से हम ऊपर आए नीचे। और यहाँ मंदिर है एक और बैठ जाते हैं यहाँ पर है। और इधर मंदिर है सीता माता की। Telephone, you feel so far away. You tell me to come more. There's some games you wanna play. I'm तो गाइस पहाड़ों में घूमते घूमते हम आश्रम में पहुंच चुके हैं। और ये देखो यहाँ पर जालियों के अंदर कितने सारे खरगोश है। काश ये बाहर होते और मैं इन्हें गोद में उठा पाता। तो गाइस हम काफी ऊपर आ चुके हैं और ये आश्रम के बाहर हम दोनों बैठे हैं थक हार के। घूमते घूमते पता ही नहीं चला और रात हो चुकी है। और अभी हम नीलकंठ के छोटे से होटल में हैं और जो है काफ़ी भूख लग रही है। अब हम चलते हैं पेट पूजा करने और मम्मी के लिए रूम पर ही खाना ले आएंगे। तो गाइस डिनर आ चुका है हमारा और मेरी स्पेशल थाली है और इसमें जो है काफ़ी आइटम है। पनीर है, दाल है, सब्जी है, राइस है। हम डिनर करके टहलने निकले थे और ये देखो पहाड़ों में जो गांव और घर है तो कुछ नहीं दिख रहा बट ऐसे लग रहा है जैसे तारे जो है ना ज़मीन पे आ गए ऐसे चमक रहे हैं। तो गाइस कुछ टाइम हम लोग हैं होटल रूम में और
काफ़ी घूम चुके हैं हम, काफ़ी थक चुके हैं। तो गाइस जो है पहाड़ों में घूमने का काफ़ी थक चुके हैं। अब जो है सब सोचो गाइस ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं मॉर्निंग में, ये भी काफ़ी नींद आ रही है। तो गुड नाइट गाइस, हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग।